हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम MiniPAR 1024B कंट्रोलर में फिक्सचर की जो फाइल है वो बनाना सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ ये सेटअप बटन प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ डिस्प्ले में आप देखिए, यहाँ फोर्थ ऑप्शन है पर्सनैलिटी मैनेज। तो इसके लिए हम यहाँ ये बटन प्रेस करेंगे, डी। यहाँ ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है पर्सनैलिटी मैनेज। इसमें हम डिलीट पर्सनैलिटी, डिलीट ऑल पर्सनैलिटी, अपडेट पर्सनैलिटी और एडिट पर्सनैलिटी। तो हम जाएंगे फिफ्थ नंबर जो है एडिट पर्सनैलिटी में। इसमें देखिए ये जो 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं, ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो फिक्सर फाइल हमने पहले से इस बोर्ड में लोड की हुई है। अब नई फाइल बनाने के लिए आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पर्सनैलिटी। इसके लिए हम ये ए बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है नेम। नेम के लिए हम जो ये वी व्हील है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम जो भी नाम यहाँ डालना चाहते हैं वो नाम डाल सकते हैं। यहाँ हमने ये नाम डाल दिया AAA। अब देखिए हम एंटर करेंगे नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन आएगा चैनल नंबर। तो जितने DMX चैनल हैं वो आपको आपकी जो लाइट के अकॉर्डिंग उसके यूज़र मैनुअल से पता चल जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 8 चैनल की एक LED पार लाइट है, हमने यहाँ 8 सेट कर दिया। देन नेक्स्ट, अब ये चैनल नंबर आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन से चैनल पर कौन सा एट्रीब्यूट काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो LED है उसमें एक नंबर पे हमारे पास में डिमर है, तो हम पहले एक नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ ए बटन से। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ देखिए ये डिमर है, ये प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1A डिमर। बस इतना ही करना है हमें। अभी हम सेकंड करेंगे। सेकंड पे हमारे पास में स्ट्रोब है, तो स्ट्रोब के लिए होता है आयरिस शटर। इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए 2A आयरिस आ गया है। उसके बाद में हमारे पास में कलर है 3 4 5 6, जो भी कलर है हमारे पास में। मान लीजिए RGB LED है तो हमारे पास में रेड ग्रीन और ब्लू होगा, RGBW है तो रेड ग्रीन ब्लू वाइट होगा। तो जो जितने भी कलर हमारे पास में हमारी LED में है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 3 नंबर है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे कलर वाला एट्रीब्यूट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया कलर 1। अभी आप देखिए यहाँ हम इस सी बटन को फिर से प्रेस करेंगे। यहाँ कलर 1 जो लिखा आ रहा है, यहाँ हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम जैसे रेड ग्रीन ब्लू डालना चाहे तो वो यहाँ अपनी मर्जी से व्हील बी का इस्तेमाल करते हुए डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बोर्ड के अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आप सेकेंड ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर चेंज एट्रीब्यूट टाइप। तो इसके लिए हम यहाँ से बी बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास में ये सभी ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें हम अप एंड डाउन वाले बटन का इस्तेमाल करते हुए डिज़ायर्ड कलर पे आएंगे। ये देखिए आप यहाँ 15 नंबर पे देख पा रहे हैं रेड। स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है बट ये रेड के लिए है। तो हम यहाँ पे देखिए ई बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, RED रेड होता है। तो ए पे हमने यहाँ पर आ जाना है इसको सही करने के लिए। और ये देखिए ये डिलीट बटन है, इसको प्रेस कर दिया हमने तो यहाँ पे देखिए ये रेड हो गया। यहाँ से एग्जिट कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ देखिए 4A रेड। नाउ हम फोर्थ चैनल पे आ जाते हैं। फिर से यहाँ पे हम ये कलर वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 4A, यानी ए व्हील में ये रेड हो गया। अभी हमें दोबारा यूज़ नहीं करना है। 4A जो है, यहाँ छोटा ए जो स्मॉल ए लिखा है, ये फाइन चैनल के लिए है। कलर में कोई भी फाइन चैनल नहीं रहता है। एक बार और प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए 4B कलर 2। इसके लिए सेम हम यहाँ से फिर से डी बटन प्रेस करेंगे क्योंकि ये 4 नंबर चैनल पे है। उसके बाद चेंज एट्रीब्यूट टाइप, फिर ये देखिए यहाँ 15 पे रेड था। उसके बाद में हम फिर से डाउन आएंगे तो ये देखिए 16 नंबर पे यहाँ पे ग्रीन है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन एग्जिट, ये देखिए 4B यहाँ पे ग्रीन हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट आएंगे। अब नेक्स्ट के लिए आप देखिए, ये जो ये एट्रीब्यूट जो है, ये कलर के लिए यहाँ पे हम 2 ही बार यूज़ कर सकते थे, ए और बी चैनल के लिए, ए और बी व्हील के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ हमारे पास ऊपर में एट्रीब्यूट बटन रहते हैं। जो फर्स्ट ये लाइट लिट है 1 to 8 के लिए,
अब दोबारा से मान लीजिए हमें कलर वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है तो हम 9 to 16 में जा सकते हैं, बट क्योंकि हम 8 चैनल की ही LED बार का यहाँ पे फिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो हम ये जो कलर है कलर के बाद में LED में इसमें हमारे पास में जूम नहीं है तो नेक्स्ट जो कलर है हम जूम और फोकस वाले में डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 5th पे सेलेक्ट था, इसको सेलेक्ट किया तो 5th A यहाँ पे जूम आ रहा है तो हम इसको यहाँ से कलर में चेंज कर देंगे। चेंज एट्रीब्यूट टाइप करेंगे तो ये देखिए 17 पे ब्लू है, यहाँ से बी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, देन हम एग्जिट कर देंगे। अब ये देखिए आप फर्स्ट जो चैनल था हमारा डिमर के लिए असाइन हो गया है, सेकंड जो था आयरिस के लिए, 3, 4 और 5 जो है हमारे पास में रेड ग्रीन और ब्लू के लिए असाइन हो गए हैं। अभी हमारे पास में देखिए 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर MPT है। 6 नंबर में मान लीजिए आपके पास में वाइट है तो आप वाइट डाल सकते हैं, 7 नंबर में ऑटो है तो आप उसको ऑटो के लिए असाइन कर सकते हैं। ऐसे जो भी यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है जो हमारी लाइट है जैसे उसके चैनल है उसके लिए हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान रखनी होगी, ये जो सेकंड हमने आयरिस था जो शटर के लिए किया था इसमें यहाँ पे ये देखिए ये जो लॉकेट वैल्यू आप देख रहे हैं 255 है, इसको हमें यहाँ पे 0 करना है। ये लोकेट जो है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक डेमो दे देंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। जब आप लोकेट वाला बटन यहाँ से एट्रीब्यूट से प्रेस करते हैं तो इसमें वो वाली सेम वैल्यू चली जाती है। ये सबसे जो लास्ट बटन है वाइट वाला आप जो देख रहे हैं ये लोकेट के लिए है। तो अगर मान लीजिए LED में हम यहाँ 255 रख देते हैं तो जब आप लोकेट वाला बटन प्रेस करेंगे तो LED ऑन होते ही वो शटर मोड पे चली जाएगी यानी फ्लैश करने लगेगी, तो हमें वो नहीं करना है इसलिए हमने यहाँ पे इसको 0 कर दिया है। 6, 7 और 8 जो नंबर चैनल हैं उसको हमने खाली छोड़ दिया है। उसके बाद में हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, लैंप ऑन ऑफ यहाँ पे हमें कोई भी डिटेल नहीं डालनी है, फिर से एंटर प्रेस करेंगे और ये पर्सनैलिटी यहाँ पे सेव हो गई है। हम लास्ट में आके देखेंगे, देखिए आप 11 नंबर पे AAA करके ऑप्शन आ रहा है, ये हमारी फिक्सचर की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।